वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चॉप मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मास्टर ग्रेवी की रेसिपी आज आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, कुछ खड़े मसाले लिए हैं और साथ ही अदरक और लहसुन लिए हैं, जिन्हें मैं हल्का सा क्रश करूँगी। तो इस मास्टर ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों, मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, 4 तेज़पत्ता डाला है। 1 बड़े चम्मच मैंने जीरा डाला है। खड़े मसालों में मैंने लिया है दालचीनी, लाल मिर्ची, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली है, साथ ही 2 मैंने बड़ी इलायची ली है। तो सभी खड़े मसालों को हम इस तेल में अच्छा सुनहरा कर लेते हैं, जिससे कि तेल में खड़े मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। अब मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट के रखा है, वो प्याज डालूंगी मैं। और प्याज डालकर अब हमें बहुत अच्छी तरह से इसे भूनना है। जब तक के प्याज हमारे ब्राउन ना हो जाए, तब तक के हमें प्याज की सिकाई करना है। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और बहुत अच्छी तरह से अब हमें प्याज को सेकना है। साथ ही अदरक और लहसुन, जिनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, वो मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। और बहुत अच्छी तरह से अब हम इसे भुनेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर बदल गया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का हमारा प्याज हो गया है। जितना अच्छा मसालों की सिकाई करते हैं, उतना ही अच्छा स्वाद आता है ग्रेवी में, और ग्रेवी हमारी लंबे समय तक के सुरक्षित रहती है। अब इस भुने हुए प्याज में हम ऐड करेंगे टमाटर। 4 से 5 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक काटा है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब टमाटर डालकर हम बहुत अच्छी इसकी सिकाई करेंगे, ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसमें पक जाए। जितना बढ़िया भुनेंगे उतना ही स्वाद आएगा। इस ग्रेवी से आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। आप चाहें तो पनीर की कोई सब्ज़ी बनाएं, आप चाहें तो एग करी बना सकते हैं, मटर की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, बस आपको इस ग्रेवी को थोड़ा सा सब्ज़ियों में ऐड करना है। 1 बड़े चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, ताकि हमारा जो ग्रेवी बन रही है उसका कलर सुंदर आए। 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करें और अब इस ग्रेवी को हमें धीमी आंच पर बहुत अच्छी तरह से सेकना है। तो दोस्तों, कई बार मैं इसी तरह से ग्रेवी बनाकर रख लेती हूँ, इसे खाना बनाने में बहुत ही सुविधा होती है। 1 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है। और जब मर्जी है दोस्तों, कई बार हम बहुत जल्दी में रहते हैं या हमारे पास टाइम नहीं रहता है और सब्ज़ी का मसाला भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्यों ना हम इस चॉप मसाले को पहले से ही बनाकर फ्रीज में रख दें, और जब मर्जी है आप 4 चम्मच निकालें और किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। मतलब हमारा ये जो मास्टर ग्रेवी बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब आपको कुछ भी ज़्यादा इसमें कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 हरी मिर्च काट के डाल दी है मैंने और बहुत अच्छी तरह से सेकना है। अब आप देख रहे हैं ग्रेवी का कलर बिल्कुल बदल गया है और मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है। मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। परंतु अभी थोड़ी देर, 5-1 मिनट आप धीमी आंच पर और सेकें, क्योंकि इस ग्रेवी को हमें लंबे समय तक के रखना है, इसलिए हमें इसे सेकना बहुत ज़रूरी है। जितना बढ़िया भुनेंगे उतना ही ये सुरक्षित रहेगी और हमें खाना बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो दोस्तों, कई बार मैं भी जल्दी में रहती हूँ, तो बस 4 चम्मच इस ग्रेवी को मैं फ्रीज से निकालती हूँ, और या पनीर की सब्ज़ी में, अंडे की सब्ज़ी, जो भी आप बनाना चाहते हैं, मटर की सब्ज़ी में आप इस ग्रेवी को ऐड कर दें। और आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की भी इस ग्रेवी को बनाकर रख सकते हैं। तो हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है, हमारा चॉप मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। ये आपकी सब्ज़ी को बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट देगा और साथ ही आपको काम करने में बहुत सुविधा होगी, मेहनत की भी बचत होगी और हमारे समय की भी बचत होगी। तो दोस्तों, बस आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील का डब्बा लिया है, बस उसका ढक्कन लगाकर ये ग्रेवी डालूंगी। ढक्कन लगाकर मैं इसे फ्रीज में कम से कम 15 दिन तक के हम इसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका था मास्टर ग्रेवी को तैयार करने का, चॉप मसाले को तैयार करने का और फटाफट खाने बनाने को तैयार करने का। तो दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो